21 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को कड़ी चुनौती देने के लिए यूपी में बना विपक्ष का महागठबंधन चुनाव नतीजे के महज 13 दिन बाद ही टूट गया। ये गठबंधन टूटेगा इसका भविष्यवाणी हमने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महीनों पहले किए थे, क्योंकि इस गठबंधन में कोई इसमें जनता के लिए कुछ नहीं था, ये केवल अपने फायदा के लिए राजनीति कर रहे थे। तो जनता ने ऐसे सोच को और अवसरवादी राजनीति को जनता ने नकारा है। बड़ी उम्मीदों के साथ देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में एसपी बीएसपी और आरएलडी ने गठजोड़ कर बीजेपी को सत्ता में पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन देश भर में चली पीएम मोदी की लहर में विपक्ष की ये कोशिश बुरी तरह से फेल हो गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी का निर्देश दिया है। वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा, और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। चुनाव में करारी हार से सदमे में चल रही बीएसपी प्रमुख ने कहा कि एसपी का बेस वोट बीएसपी की तरह मजबूत नहीं रहा, इसी वजह से एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार गईं, तो फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को भी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसी तरह बदायूं में धर्मेंद्र यादव को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। यादव बहुल इन सीटों पर एसपी की हार पर मायावती ने सधे लहजे में ही सही, लेकिन ये तंज कसने में देर नहीं की कि यादवों ने भी चुनाव में एसपी से मुंह मोड़ लिया, जबकि उनकी बीएसपी का बेस वोट पहले की तरह ही मजबूत रहा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है, अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है, और सपा की खासकर यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिंपल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। चुनाव में गठबंधन की करारी हार का ठीकरा मायावती ने एसपी पर जरूर फोड़ा, लेकिन इसे राजनीतिक मजबूरी ही कहा जाएगा कि भविष्य के लिए उन्होंने एक खिड़की खुली छोड़ दी। सम्मान देने को लेकर उन्होंने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की, साथ ही कहा कि अगर भविष्य में एसपी अपने कार्यकर्ताओं को बीएसपी की तरह मिशनरी मोड पर लाते हुए एकजुट करती है तो एक बार फिर दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। हमारे ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं, ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी पूरी कोशिश बनी रहेगी, लेकिन वही दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं। पुरानी कहावत है, राजनीति में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं हुआ करती, और जहां बात स्वार्थ की हो तो ये कहावत और सही हो जाती है। एसपी बीएसपी का गठबंधन विचारधारा पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर टिका था, और जब मोदी की आंधी में गठबंधन धराशायी हो गया तो मायावती ने अखिलेश से पल्ला झाड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।